एक नाम है जो कि छात्रों को लेकर काफी मुखरता से अपनी बातों को रखता हुआ नजर आता था, लेकिन बीच में वो नाम गायब हो गया था। और अभी हम जब रांची के बुंडू क्षेत्र में हैं, तब जो जेबीकेएसएस नेता हैं जयराम महतो, और वो जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब वो व्यक्ति हमें नजर आया। हमारे साथ है, व्यक्ति का नाम है गुलाम हुसैन, जो कि छात्रों के हित में बहुत सारी बातों को रखता रहा है और बहुत सारे आंदोलन में जो है आपने देखा होगा गुलाम हुसैन। गुलाम, बहुत सालों के बाद कह सकते हैं आप फिर से नजर आ रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि विधानसभा जो चुनाव होने उसमें आप भी बतौर प्रत्याशी नजर आएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके टीम बाइस्कोप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि लगातार उन्होंने छात्रों की आवाज़ को एक मुखरता के रूप में सामने लाया। जितना हमारे आंदोलनकारी साथी हमारे साथ नहीं रहे, उतना आपका बाइस्कोप चैनल हमारा कवरेज करता रहा, साथ देता रहा, और हमारे आंदोलन के आप भी एक हिस्सा बने रहे। और इसीलिए मैं तमाम मीडिया बंधुओं को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और धन्यवाद अभिवादन करना चाहता हूँ। और अभी इस समय चूँकि आपने देखा होगा मुझे, मेरी लड़ाई को शुरू से झारखंड में हम लोगों ने लड़ा था कि झारखंड को जिस परिकल्पना के साथ, जिस उद्देश्य के साथ अलग किया गया था, लाखों बलिदान के साथ, भगवान बिरसा मुंडा जैसे हजारों ऐसे मतलब कि जन नेता थे जो शहीद हुए, और जिन्होंने झारखंड को एक बलिदान के तौर पे एक झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया। लेकिन हम लगातार हम लोगों ने नई सरकारों को बनाते रहे हैं, नई सरकारों को चुनते रहे हर बार, लेकिन हमें कुछ उससे फल नज़र नहीं आया। और जिसमें से हम लोगों ने लगातार अपने मूवमेंट को, छात्र का मूवमेंट, चाहे जेपीएससी के माध्यम से हो, जेएसएससी के माध्यम से हो, जितने भी मूवमेंट थे, क्योंकि हर किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई त्रुटि रह जाता है और कोई ना कोई गलत होता है, कभी पेपर। माने कि आप विधानसभा चुनाव में बतौर कैंडिडेट आएंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चूंकि जो विचारधारा जयराम दा का है, जो विचारधारा जेबीकेएसएस का है, इस विचारधारा को पहले ही हम लड़ चुके हैं, और आज फिर से मुझे लगा कि जिस विचारधारा को लड़ते लड़ते बीच में हम लोग खो दिए थे, आज लगा है कि जिसको हम लोगों ने चिंगारी देने का काम किया था, आज पूरी तरह से वो पूरे झारखंड में आग लग चुकी है उस विचारधारा। क्रिया क्या होगा आपका, पंचायत सचिव का नौकरी, क्या नौकरी छोड़ेंगे या फिर उसका भी मोह माया है? देखिए, नौकरी तो बहुत मुश्किल से मिली हमें, बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद मिली, 5 साल तक लगातार संघर्ष की, आंदोलन किए, तब नौकरी मिली, नौकरी के लिए लड़े। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं ना कि जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ देखते हैं ना अपने आदिवासी भाई बहन को, देखते हैं अपने तमाम क्षेत्र के लोगों को, तो देख करके मन से संतुष्ट होता कि इन लोगों के लिए कुछ करें, और जब करने जाते हैं तो वही कलम हमारी बाध्यता बन जाती है कि हमारे पास जितना अधिकार है हम उतना ही मदद कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अभी जितना अधिकार है मिला है, हम लोगों ने उसका भरपूर उपयोग किया है, बहुत लोगों को मदद किया है, लेकिन हम खुद चाहते हैं कि ये बड़े लेवल पे जाए, एक व्यापक रूप ले, और पूरे राज्य में हम लोगों को एक बेहतर जनक्रांति के रूप में सामने लाएं, और लोगों को मतलब कि भरपूर रूप से मदद करना चाहते हैं, क्योंकि जितना हमारे अंदर योग्यता है उस योग्यता के आधार पर हम लोगों को मदद नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ के, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ छोटा मोटा, हम लोग जैसे कि अबवा आवास का निर्माण करवाते हैं, तो उसमें जब जाते हैं ना हम लोग लाभुक के पास जाते हैं कि आपको अबवा आवास दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो लोग इतना डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि बोलते हैं बाबू तुम तो घर दिलाओगे, कहीं हमारी ज़मीन लूट तो नहीं लोगे ना। तो मतलब कि आज भी वो डर है, वो खौफ दिखता है कहीं ना कहीं उनके अंदर में कि आदिवासी मूलवासी लोगों का ज़मीन और उनका हकमारी होता है, झारखंड अलग राज्य परिकल्पना का जो उद्देश्य था वो कहीं भी हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो आज हम लोग को विचारधारा जो मिला हुआ है, उस विचारधारा के आधार पर, चूंकि पहले से ही विचारधारा थी हमारे पास, लेकिन उसका कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। अभी के मौजूदा की बात करो, झारखंड में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल वाली बात है, और ऐसे में जब आपको मिला हुआ है तो आप छोड़ना चाह रहे हैं? आप मुझे धर्म संकट में डाल रहे हैं बिल्कुल पूरी तरह से। लेकिन चूंकि मैं शुरू से अपने राज्य के लिए लड़ा हूँ, शुरू से मैं अपने राज्यवासियों के लिए लड़ा हूँ, मैं शुरू से छात्रों के लिए लड़ा हूँ, मैं शुरू से अपने यहाँ के निवासियों के लिए लड़ा हूँ, मैंने कभी खुद के लिए नहीं लड़ा। आप देखेंगे इस बीच में कि जो 3000 नियुक्तियाँ हुई, 3000 जो नौकरियाँ बांटी गई यहाँ पे, वो ऐसे ही बांटी नहीं गई थी, हम लोगों ने मौत के मुंह से उस नियुक्ति को जिंदा रखा, हम लोगों ने शेर के मुंह से उस नियुक्ति को बचा के लाया था। लेकिन उसके बाद भी उसको छोड़ना मेरे लिए किसी के लिए आसान बात नहीं होगा, लेकिन ये वक्त तय करेगा कि हम लोग किस तरफ जाएंगे। जरूरी नहीं कि मैं नौकरी छोड़ के आऊँगा, क्योंकि बिना नौकरी छोड़े भी हम इस तरह से मुखरता के सामने भावना है बिल्कुल लड़ेंगे भी और अपनी आवाज़ को यूँ बुलंद करते रहेंगे।
अपनी आवाज को यूं ही बुलंद करते रहेंगे, लेकिन संशय है संभवतः नौकरी छोड़ भी सकते हैं, और अगर किसी तरह की बाध्यता नहीं रहती है तो जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें बतौर कैंडिडेट वो नजर आ सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा कि ये क्या चाहते हैं, सरकारी विभाग क्या चाहता है, और जो संगठन से जुड़ रहे हैं वो संगठन क्या चाहता है। न्यूज बायोस्कोप ले कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड च्वाइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।